एमपी के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में यहाँ करोड़ों भक्त दर्शन करने पहुँच रहे हैं। बाबा महाकाल की भव्य सवारी भी दुनिया भर में फेमस है। इस शाही सवारी में इस बार एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार 300 जवानों का विशेष पुलिस बैंड सवारी में शामिल होकर अपना प्रदर्शन देगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। इस प्रस्तुति से पूरा उज्जैन धार्मिक धुनों से गूंज उठेगा। इस बैंड में एमपी पुलिस की लगभग सभी यूनिटों से पुलिस जवान शामिल होंगे। यह पहली बार है जब महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड की धुन गूंजेगी। इतनी बड़ी संख्या में जवानों ने विशेष प्रशिक्षण लेकर इस प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार किया है। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहा सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रत्येक जिले में एक पुलिस बैंड देने का हमने निर्णय किया था। इस वर्ष का 15 अगस्त का झंडा वंदन का कार्यक्रम 55 ही जिलों में अलग अलग पुलिस बल के अपने पुलिस जवान बैंड की ट्रेनिंग लेने के बाद जाने वाले हैं। ऐसे में उनके आखिरी ट्रेनिंग जो पब्लिक फंक्शन के साथ शहर में निकलने की, उस ट्रेनिंग की आज आखिरी कड़ी बाबा महाकाल के दरबार से वो इस सवारी में शामिल होकर के ट्रेनिंग पूरी करेंगे। मेरी अपनी ओर से लगभग 350 जवान जो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग करते हुए कल से पहुंचे हैं। कल उनने फिजिकल ऐसे विदाउट वाद्य बजाते हुए ट्रेनिंग की थी, आज वाद्य बजाने के बाद उनकी अंतिम ट्रेनिंग होगी। और आज इस ट्रेनिंग के साथ ही एक नया इतिहास भी बनेगा उज्जैन में, जब इतने सारे पुलिस जवान एक साथ वाद्य यंत्रों के साथ बाबा की सवारी में शामिल होंगे। मेरी अपनी ओर से महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और ये जो हमने निर्णय किया है, इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हमने लगभग 20 मास्टर ट्रेनर हैदराबाद भेजे थे जिनकी ट्रेनिंग हुई थी। अलग अलग पुलिस के कंपनियों से जवान बुलाए गए जिनको विविध प्रकार से ट्रेंड किया गया। इसका एक अद्भुत कार्यक्रम पहले भोपाल में हो चुका है और अब इनकी अंतिम ट्रेनिंग के बाद ये अपने जिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का ये दृश्य बाबा महाकाल की सवारी में चार चांद लगाएगा। बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे और खास करके जवानों के माध्यम से जो सवारी निकलेगी उसकी छटा निराली होगी। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जो स्वयं जा सकते स्वयं जा के दर्शन करें, पूरे आयोजन का हिस्सा बने। जो नहीं जा सकते बाद में वीडियो या अपने इस पूरे दृश्य को अपने पास रिकॉर्ड बना के रखें। एक बार फिर मैं बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल।